दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट के फैंस हैं तो ये खबर आपके लिए है। दोस्तों आपको बता दें कि आज क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी बुरी खबर आ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल में ही कोलकाता के कई सारे प्लेयर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके साथ साथ सीएसके के कई सारे स्टाफ मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसको देखते हुए दोस्तों आज काफ़ी बड़ी खबर आई है और आज यह खबर है कि आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा और अमित मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जिसको लेकर बीसीसीआई ने काफ़ी बड़ा फैसला किया। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल अभी कैंसिल हो चुका है। दोस्तों आईपीएल पूरी तरह से तो कैंसिल नहीं हुआ है पर दोस्तों अभी डेट नहीं मालूम कि आईपीएल के बचे हुए मैच कब और किधर खेले जाएंगे। दोस्तों यह काफ़ी शानदार फैसला रहा, अगर आप जान माल का खतरा कम हो जाएगा इसके चलते। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस लगातार अपनी ऊंचाइयों पे जा रहा है उसी तरह आईपीएल के कई सारे सदस्य भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं, जो कि यह फैसला काफ़ी ज़रूरी था। और दोस्तों आईपीएल फैंस के लिए यह काफ़ी निराशाजनक बात है। और दोस्तों अब देखने वाली यह बात है कि बाकी के बचे हुए मैच कब और कहां खेले जाते हैं। गौर मतलब ये है कि सब लोग कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी वर्ल्ड कप के बाद ही यह मैच होना संभव है। तो दोस्तों आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।